हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11 साइंस इंग्लिश मीडियम फिजिक्स उसके लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें फिजिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ओके, तो फिजिक्स का यानी कि बेसिक नॉलेज क्या है? तो बेसिक नॉलेज में वो है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन होगा, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग वैसा है कि समझ लो कि आप कोई भी फिनोमेना यानी कि कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसके एक सर्टेन यूनिट होते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसके एक सर्टेन यूनिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपको फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक कुछ सामान ले जाना है, तो सबसे पहले इसके अंदर थ्री यानी कि मेजरेबल क्वांटिटीज आएगी। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द मास ऑफ लगेज, यानी कि जो आपको ले जाना है उसका मास कितना है, यानी कि आप उसको आई थिंक वेट बोलते हो। मगर एक बात याद रखना, मास और वेट फिजिक्स के अंदर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मास पता होना चाहिए, आपको कितनी हाइट पे ले जाना है। सेकेंड, थर्ड नंबर, आपको कितना टाइम लगेगा। तो यानी कि ये तीन चीज है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमें लर्न करना है उसका नाम है लेंथ। लेंथ, अब लेंथ को आप हाइट भी बोल सकते हो, हाइट बोलो, लेंथ बोलो, वेट बोलो, जो भी बोलना है, मगर लेंथ है लेंथ। उसका यूनिट क्या होगा? तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर। लेंथ का यूनिट होगा मीटर। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पूछे कि एक क्लोथ है वो कितना लंबा है, तो आप बोलोगे 5 मीटर, तो यानी कि मीटर। अब एक उसका बड़ा भी यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड बड़ौदा, तो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। तो वहां पे हमने बोला किलोमीटर, तो दैट इज बिग यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, फिर समझ लो कि आपको पूछे कि आपकी वेस्ट क्या है, यानी कि आपकी कमर क्या है, तो आप बोलोगे 30, तो 30 मीटर या किलोमीटर नहीं होगा, इट इज सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ का जो परफेक्ट यानी कि एसआई यूनिट है, एसआई का मीनिंग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो मीटर है। फिर उसका बिग यूनिट भी हो सकता है, उसका छोटा यूनिट भी हो सकता है, मगर दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, सेकेंड नंबर मास। अब मास का मीनिंग क्या है? तो मास का मीनिंग ऐसा है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसके अंदर जो चीज भरी हुई है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई स्फीयर है, एक स्फीयर इतना है, एक स्फीयर इतना है, तो दोनों का मास सेम हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है। इसके अंदर आप कॉटन भरो और इसके अंदर आप आयन भरो, तो इसका मास ज्यादा होगा। ओके, तो यानी कि मास है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, उसको हम बोलते हैं केजी। इसका छोटा यूनिट ग्राम भी है, मिलीग्राम है, मगर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम। थर्ड नंबर मास खत्म, अब आएगा थर्ड नंबर टाइम। ये सब बहुत इजी क्वांटिटी है, बहुत इजी फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड, उसको हम उसका यूनिट हम स्मॉल एस लिखते हैं, यानी कि सेकेंड बोलते हैं। तो थ्री है, थ्री ये सबसे मेन फिजिकल क्वांटिटी है। अब जो मैं फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा वो ये तीन चीज आपको पता होगी तभी आप सॉल्व कर सकोगे। आपको लगेगा ये बहुत सिंपल है मगर इसका एप्लीकेशन आगे बहुत आता है। फॉर एग्जांपल फोर्थ नंबर है स्पीड, या फिर उसको आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड का क्या होता है? वेलोसिटी का सिंबल वी लेते हैं, स्पीड का एस लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से यू हैव लर्न्ड दिस इन 9th स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेटली। तो वेलोसिटी या स्पीड है उसके अंदर, उसका फॉर्मूला ऐसा है, डिस्टेंस बाय टाइम, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना टाइम टेकन है इसके अंदर। तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका मीनिंग होता है वेलोसिटी।
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अब डिस्टेंस है डिस्टेंस, आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम किलोमीटर में भी बोल सकते हैं या फिर मीटर में भी बोल सकते हैं। तो मीटर होगा डिस्टेंस का, टाइम का क्या होगा सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। या फिर आपको पता होगा कि जो गाड़ी होती है, कार होती है, कार के अंदर जो यानी कि स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर नीचे ऐसे लिखा होता है यहाँ पे किमी पर आर। ओके, किलोमीटर पर आर ऐसा लिखा होता है। तो मीटर की जगह किलोमीटर होता है और सेकंड की जगह क्या होता है आर होता है। ओके, तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो उसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड खत्म। अब आएगा फिफ्थ नंबर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने एक नाम सुना होगा एक्सेलरेटर, एक्सेलेटर, एक्सेलेटर आप जब यानी कि लीवर भी बोल सकते हैं, एक्सेलेटर आप इस पे पिक करोगे तो क्या होगा, तो यानी कि आपकी जो गाड़ी होगी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, आप ढीला रखोगे तो क्या होगा स्पीड कम होगी। तो उसका मीनिंग है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप कितने टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज करते हो, बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत बड़ी वेलोसिटी यानी कि बहुत बड़ी वेलोसिटी आप डिक्रीज या इंक्रीज करोगे तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम पिकअप भी बोल सकते हैं। बराबर, आप ऐसा बोलते हैं कि एक्टिवा की पिकअप बहुत अच्छी आती है, इसका मीनिंग कम टाइम के अंदर वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ओके, तो उसका पिकअप का मीनिंग है एक्सेलरेशन ज्यादा है। ओके, तो एक्सेलरेशन का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। मैंने क्या बोला था, ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारा पीछे वाला जो क्वांटिटी है वो पता होगा, तभी हम सॉल्व कर सकेंगे। तो वेलोसिटी का डायरेक्ट याद होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फाइव चीज है, पांच पांडव है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, दिस इज नॉट फॉर रिवीजन, इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, टाइम का सेकंड तो मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये फाइव क्वांटिटीज है, एक बार पोज करके, वीडियो पोज करके अच्छी तरह से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइव फिजिकल क्वांटिटीज हमने खत्म की। अब सिक्स नंबर, सिक्स नंबर की फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम, इसको आप लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। मोमेंटम के टू टाइप्स होते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन के थ्री टाइप्स है। उसके अंदर पहले जो टाइप्स है, पहला है लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के अंदर लीनियर मोमेंटम आता है, और रोटेशनल मोशन के अंदर आता है रोटेशनल यानी कि एंगुलर मोमेंटम आता है। ओके, तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, याद रखना लीनियर मोमेंटम। ओके, अब मोमेंटम का मीनिंग क्या है पहले वो समझना है, फॉर्मूला सिखाऊंगा उसका यूनिट आ जाएगा, वो सब कुछ बड़ा है, वो सब कुछ यानी कि इजी है, मगर मोमेंटम का मीनिंग क्या है परफेक्टली। मोमेंटम का मीनिंग ऐसा है कि समझ लो कि यहां पे दो इंसान खड़े हैं। ओके, अब यहां पे समझ लो कि एक रैबिट है, रैबिट का मीनिंग यानी कि खरगोश। ओके, अब यहां पे एक एलिफेंट है, अब दोनों को आप 10 की स्पीड में मोशन करा दे, और यहां पे ये दोनों ए और बी इंसान के साथ कोलिजन होता है, तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, आई थिंक ये इंसान लेट हो जाएगा और ये है वो वैसा ही रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी, तो भाई इसको बी इंसान को बहुत ज्यादा इंजरी थी,
ज्यादा इंजरी क्यों हुई, तो इसका रीजन क्या है, आपको सिंपल पता चल गया होगा कि इसका मास है वो कम होगा। समझ लो कि 20 kg रैबिट का और एलिफेंट का है 2000 kg है, ओके। तो यानी कि मास बहुत बड़ा था इसलिए इसको ज्यादा यानी कि इंजरी हुई। तो यानी कि वेलोसिटी तो है, मगर वेलोसिटी के अलावा एक चीज जो डिपेंड है मोमेंटम। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है, तो मास के ऊपर डिपेंड है। तो इसके द्वारा हमको सीखने को मिलता है कि मास इनटू वेलोसिटी करो, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसा है, पी इज इक्वल टू, मोमेंटम को पी बोलते हैं, तो पी इज इक्वल टू याद रखना है एम वी। एम का मीनिंग है मास और वेलोसिटी वी का मीनिंग है वेलोसिटी, ओके। तो मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको आप लिनियर मोमेंटम बोलते हो। तो यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी 20 10 था, 10 मीटर पर सेकंड, बट रैबिट का मास कितना था, 20 kg, और एलिफेंट का था 2000 kg। सो यहाँ पे एलिफेंट का मोमेंटम ज्यादा होगा, सो उसको यानी कि उस बी इंसान को कोलाइजन होगा उसके साथ, तो इंजरी ज्यादा होगी, ओके। इसीलिए आप समझ सकते हो कि साइकिल जब 10 की स्पीड में चलती है तो उसको ब्रेक लगाना इजी है, मगर समझ लो ट्रेन है वो 10 की स्पीड में है, उसको ब्रेक लगाना तो मुश्किल है बिकॉज उसका मोमेंटम ज्यादा है इसलिए, ओके। तो वेलोसिटी से जो ऊपर की फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं लिनियर मोमेंटम। अब इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है, सोचो किलोग्राम। वेलोसिटी का याद करो मीटर पर सेकंड, राइट, तो मीटर पर सेकंड, तो इसको बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर का है फोर्स। फोर्स का मीनिंग क्या है, फोर्स यानी कि धक्का लगाना, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो फोर्स का मीनिंग है, अब उसका सिंबल है एफ, उसका फॉर्मूला क्या है फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला एकदम सिंपल टेक्निक है ऐसा याद रखने का, फादर की माँ तो एफ इज इक्वल टू एम ए, फादर की माँ तो एफ इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू मास। व्हाट इज ए, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब आप याद करो इसका मीनिंग ऐसा है कि एम एम मास की जो बॉडी है उसको ए जितना एक्सेलरेशन दो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया होगा, तो एम ए जितना। एम ए हमें मास और एक्सेलरेशन पता हो तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स के बारे में काफी सारा इन्वेस्टिगेशन न्यूटन ने किया था, इसलिए उसके रिस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे सिंबल है वो न्यूटन लिया गया है। तो यानी कि फोर्स है, फोर्स उसका एक दूसरा यूनिट है उसको न्यूटन भी बोलते हैं या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। याद रखना फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों आप वीडियो पोस्ट करके अच्छी तरह से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है कौन से नंबर के, 7 नंबर। 7 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी का नेम है वर्क, इसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो, एनर्जी, या फिर इसको आप टॉर्क भी बोल सकते हो, यानी कि टॉर्क अलग चीज है, ओके। वर्क यानी कि आपको पता चलेगा, एनर्जी का मीनिंग भी पता चलेगा, आपके लिए न्यू वर्ड है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, आपको कार के अंदर इंटरेस्ट हो तो आपके जब कोई भी न्यू कार यानी कि पब्लिश होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी टॉर्क कितना प्रोड्यूस करता है इंजन। टॉर्क का मीनिंग क्या है, जो रोटेशनल मोशन है, जैसे कि आपको लिनियर मोशन करना हो, सीधा मोशन करना हो, तो सीधे मोशन करने के लिए, लिनियर मोशन के लिए कौन सी चीज नेसेसरी है, तो वो है फोर्स। और रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या नेसेसरी है, तो इट इज टॉर्क, ओके। अभी सिर्फ याद रखना, आपको आगे जाके पढ़ने में आएगा। अब वर्क है वर्क, ये तीनों दिन का यूनिट सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो वर्क है वर्क, इसका फॉर्मूला याद रखना है W इज इक्वल टू एफ डी,
या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू फोड़ दूंगा, या फिर फिक्स डिपॉजिट, ऐसा याद रखो फिक्स डिपॉजिट या फिर फोड़ दूंगा। तो एफ डी, अब एफ की जगह क्या होता है, फोर्स यानी कि फादर की माँ, डी की जगह डी, डी यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। आप फोर्स लगाते हो तब बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आप वर्क फाइंड कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है चेंज इन पोजीशन, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो उसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम यूनिट लगाते हैं, क्या यूनिट होता है, तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का याद करो क्या यूनिट होता है, यस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पे यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके याद रखना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब वर्क एनर्जी टॉर्क, ये तीनों का जो यूनिट है वो सेम ही है, इसको हम एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से भी बुला सकते हैं जूल, जूल यानी कि ऐसा स्पेलिंग है तो उसको जूल यानी कि कैपिटल जे भी बोल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, राइट, और वर्क का यूनिट क्या है, जूल, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, उसका नेम है पावर। पावर का मीनिंग क्या है, पावर का सिंबल पी है। ओके पावर सिंपल चीज है, समझ लो कि आपको मैंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो दो इंसान जा रहे हैं, तो एक इंसान जब ऊपर जाएगा दूसरा भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों को वर्क सेम करना है, मगर दोनों एक सेम टाइम पे वर्क नहीं करेंगे। इसका मीनिंग ऐसा है कि समझ लो यहां से हम ऊपर जा रहे हैं तो इसके अंदर एक इंसान को 15 मिनट लगता है और दूसरे इंसान को 5 मिनट लगता है, तो दोनों का वर्क सेम होता है मगर दोनों का टाइम डिफरेंस है, तो यानी कि इसके अंदर पावर किसका ज्यादा होता है। सेम वर्क है वो आप कम टाइम के अंदर करोगे तो यानी कि आपका पावर ज्यादा होगा, तो पावर का फॉर्मूला बनेगा वर्क अपॉन टाइम। टाइम जितना कम होगा उतना पावर ज्यादा होगा, इसीलिए टाइम है वो डिवीजन में आता है यानी कि नीचे आता है। तो वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। अब वर्क है वर्क, उसका यूनिट क्या है, तो वर्क का यूनिट है जूल, और टाइम का क्या है, तो टाइम का यूनिट है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, दिस इज यूनिट ऑफ पावर। अब इसको एक शॉर्टकट में भी बोल सकते, यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट का नेम है, उसका नेम है वॉट। आपको पूरा लिखना हो तो स्मॉल लेटर में लिखना, और एक ही लेटर लिखना हो तो कैपिटल डब्ल्यू लिखना, ये बराबर याद रखना। आपको वॉट पूरा लिखना हो तो स्मॉल लेटर में लिखना, और एक ही लेटर लिखना तो कैपिटल लिखना। तो पावर का यूनिट है वॉट या फिर जूल पर सेकंड। तीन चीज हमने सीखी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और पावर का यूनिट क्या होता है, तो वॉट होता है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं नाइन्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटीज, उसका नेम है प्रेशर। प्रेशर के बारे में पहले समझते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, समझ लो कि ये अब पिन है, इस पिन को आपको यानी कि इस वॉल के अंदर अंदर मतलब कि प्रेशर डाल के डालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे या फिर उल्टा रखेंगे, तो ऐसा रखने का रीजन क्या है, तो उसका रीजन ऐसा है कि यहाँ पे एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है कि एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए ये नीचे आता है, उसका मीनिंग जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर का सिंबल भी पी है, पावर का सिंबल भी पी है, फॉर्मूला याद रखना फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसको आगे भी ले जा सकते हैं, न्यूटन का जैसे हमें याद था क्या लिखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो एक एक मीटर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने जो लिखा है, एफ की जगह मैंने न्यूटन लिखा है, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर लिखा है, इसको भी आप एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से लिख सकते हैं पास्कल, और पास्कल का मुझे पी नहीं लिखना है, पी ए लिखना है ऐसे, बराबर, या फिर पूरा नेम लिखना हो तो स्मॉल लेटर में पास्कल। ओके तो यहाँ पे एक और एड हो जाएगा,
प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है पास्कल। तो 9 फिजिकल क्वांटिटीज खत्म हुई, एक बार पोज करके देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक लास्ट फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका नेम है डेंसिटी। आई थिंक आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, 10th में तो नहीं आता था, मगर 9th में डेंसिटी वर्ड आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी का मीनिंग क्या है? देखो, ये दो स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ऐसा एज्यूम कर लो, दोनों का वॉल्यूम सेम है बराबर। एक है वो रबर का बना हुआ है, यानी कि समझ लो कि बलून जैसा है, और सेकंड नंबर है वो आयन का है, यानी कि वो सॉलिड है और एक होलोस्फीयर है। अब ये आपको, यानी कि कोई, यानी कि कोलाइजन करे, यानी कि वो आपकी तरफ फेंके और ये भी कोलाइड करे, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको लगेगा? तो सिंपल मीनिंग है, जो सॉलिड है यानी कि आयन का बना हुआ है वो आपको ज्यादा इंजरी करेगा। उसका रीजन क्या है? दोनों का वॉल्यूम तो सेम है मगर इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इस वॉल्यूम के अंदर जो मास भरा हुआ है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जो वुड का डस्टर होता है, वुड का बना हुआ डस्टर और आयन का बना हुआ डस्टर है, दोनों को आप पानी के अंदर रखोगे तो वुड का है वो, यानी कि क्या करेगा, सिंक नहीं होगा। ओके, और आयन का है वो सिंक हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, दोनों का वॉल्यूम सेम है मगर इसके अंदर मास ज्यादा भरा हुआ है, तो इसके ऊपर से एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है डेंसिटी। डेंसिटी को डी भी बोल सकते हैं या फिर रो भी बोल सकते हैं, रो ऐसा भी सिंबल होता है, या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मीनिंग ऐसा है कि इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा हुआ है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का तो आपको पता होगा मीटर क्यूब होता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो 11 फिजिकल क्वांटिटीज है, जो फिजिक्स का पिलर है, वो हमने खत्म की। इसके बाद हम एक थोड़ा याद रखने का टॉपिक है वो देख लेते हैं, एक बार पोज करके देख लो। ओके, अब एक लास्ट चीज है जो आपको याद रखनी है, जो अभी तक मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई उसके अंदर आपको क्या याद रखना है। फर्स्ट नंबर है लीनियर मोमेंटम। सेकंड नंबर है फोर्स। थर्ड नंबर है वर्क, एनर्जी या टॉर्क। फोर्थ नंबर है प्रेशर। आपको पता होगा लीनियर मोमेंटम है, इसका यूनिट ऐसा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स का ऐसा है नीचे स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क के अंदर ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है। तो देखो ये तीनों तीन है, एक सिस्टम से आपको याद रख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो लीनियर मोमेंटम, नीचे स्क्वायर तो फोर्स, ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर तो वर्क बन जाएगा या फिर एनर्जी या फिर टॉर्क। अब यहां पे कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, फोर्स के अंदर न्यूटन है, एनर्जी के अंदर जूल है और प्रेशर के अंदर क्या था, पास्कल। आपको पता हो तो प्रेशर के अंदर हमने ऐसा बोला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज बाकी रह गई, फिफ्थ नंबर पावर। पावर के अंदर आपको याद हो तो वर्क अपॉन टाइम था, यानी कि जूल पर सेकंड था, तो इसका हमने कहा था वॉट, स्मॉल लीटर में या फिर कैपिटल W, ऐसा था। पावर का एक दूसरा यूनिट भी है, वो मोस्ट ऑफ ब्रिटेन के लोग यानी कि यूरोप के लोग यूज करते थे। आपको पता हो तो अभी कार के अंदर भी यूज होता है ये यूनिट पावर के लिए, HP। HP का मीनिंग होता है हॉर्स पावर। ओके, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करेंगे।